लोकसभा चोणां दे पंजवें गेड़ लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे 7 बजे वोटिंग है जिहड़ी ओह शुरू होई सी ते शाम 6 बजे तक वोटां ने जिहड़ियां ओह पैणगियां। कुल 49 हलकियां दे उत्ते वोटिंग है जिहड़ी ओह हो रही है अते 695 उम्मीदवारां दी किस्मत उत्ते अज वोटर फैसला करनगे। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह अते पीयूष गोयल वर्गे वड्डे नेतावां दी किस्मत अज दाव ते लगी है अते होर कई दिग्गजां दी किस्मत उत्ते भी अज वोटर फैसला करनगे। तां कुल 695 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच ने। हॉट सीट अमेठी अते रायबरेली उत्ते भी अज वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी ने जिहड़े ओह इस वार रायबरेली तो चोण लड़ रहे ने। दूजे पासे जम्मू कश्मीर दे साबका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिहड़े उन्हां दी सीट उत्ते भी वोटिंग हो रही है। तां पंजवें गेड़ दे विच कुल 8.95 करोड़ वोटर ने। उत्तर प्रदेश दीआं 13 सीटां, महाराष्ट्र दीआं 13 सीटां, पछम बंगाल दीआं 7 सीटां, उड़ीसा दीआं 5, बिहार दीआं 5, झारखंड दीआं 3 अते जम्मू कश्मीर दी 1 सीट उत्ते वोटिंग हो रही है। लद्दाख दी भी 1 सीट उत्ते अज वोटिंग हो रही है। तां पंजवें गेड़ तों बाद कुल 429 सीटां उत्ते वोटिंग पूरी हो जाएगी। लोकसभा दीआं कुल 543 सीटां हन। तां जिहड़े गेड़ उत्ते अज वोटिंग हो रही है तां इन्हां सीटां उत्ते 2019 दे विच NDA गठजोड़ दे वल्लों 39 सीटां जित्तियां गईयां सी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली तों ही जित सकी सी। उदों सोनिया गांधी दे वल्लों इह सीट आ जिहड़ी ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BSP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਾਰੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਿਕਸਿਤ ਰਹੇ, ਵੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कब क्यों डाल रहे हो? ये चुनाव मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर्क किया, लाखों लोगों के बीच जाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त की और जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो स्वागत मुझे मिला है एक मुंबईकर होने के नाते अपने ही लोगों के बीच जाकर, वो बहुत ही समाधान का विषय है। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंस ही है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। अगर आप बाबा साहब का संविधान को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संविधान न बदला जाए, तो घरों से निकल करके और अपना जो बाबा साहब ने आपको वोट दिया है उस वोट को डालने का काम करें, जिससे कि लोगों की इच्छाएं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं लोग कि उनको नौकरियां मिले, उनको हाथ न फैलाना पड़े, उनको लोगों के लोग जो फ्री में पैसा देते हैं, राशन देते हैं, वो ना लेना पड़े, तो इसके लिए जरूरी है कि फिर वोट देने आए और अपना वोट डालें। सर, पांचवें चरण का मतदान है, बहुजन समाज पार्टी को किसी को देखते हैं आप, कितनी सीटें? हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं।